गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 3 से 5 अप्रैल काठमांडू 9779801032862। 24 और 25 अप्रैल दिल्ली 6542068564544 4465। 26 अप्रैल जयपुर 7 मई जमशेदपुर 8 मई पटना 5190000 9314728165। 27 और 28 अप्रैल मुंबई 9324274466 9322377660। 5 और 6 मई कोलकाता 9831602512 9007477506। भक्तों, हमारे पास है स्वर्णिम अवसर। आगामी 4 अप्रैल पर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर तंत्र बाधा निवारक हनुमान साधना संपन्न कर सभी प्रकार के रोग, शोक, भय, डर व तंत्र बाधा से मुक्ति पाकर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने का। इस तंत्र बाधा निवारक हनुमान साधना पूजन पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध, मंत्र सिद्धि, रक्षा कवच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000 243262598 29026625 8107039999। जन्म कुंडली विश्लेषण। आज मैं जिस कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं वह एक डॉक्टर की कुंडली है। इनका स्वयं का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत बड़े का अर्थ है कि 250 बेड का इनका एक हॉस्पिटल है जो कि भारत के एक मेट्रो स्टेशन, मेट्रो शहर में स्थित है। मैं ज्यादातर लोगों के नाम, शहर के नाम कम ही लेना पसंद करता हूं। यह उस शहर के फेमस हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है। यह हॉस्पिटल अपनी इनका प्रशासन इतना तगड़ा है, इनका डिसिप्लिन अपने हॉस्पिटल में इतना बढ़िया है कि वहीं खुद भी समय के पाबंद है और डिसिप्लिन के प्रिय भी हैं। डरते किसी से भी नहीं थे, लेकिन इनके साथ एक ऐसा वाकया या यूं कहें कि एक घटना घटी कि अब उन्हें डर लगने लगा है। घटना कुछ दिन पहले की है। किसी महिला स्टाफ को लापरवाही करने पर इन्होंने डांट फटकार दिया था, जो कि आमतौर पर कई बार हो भी जाता है, तथा नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी इस डॉक्टर महाशय ने। अब उस महिला ने इन्हें परेशान करने हेतु पुलिस केस दर्ज करवा दिया और कह रही है कि यह व्यक्ति अनावश्यक, मतलब बिना किसी कारण के मुझे परेशान करते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं, मैं इस वजह से आत्महत्या भी कर सकती हूं। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए इन्हें गिरफ्तार भी करना पड़ा, आखिरकार छूट गए, जिसमें महिला कर्मचारी दोषी पाई गई। ये डॉक्टर दोषी नहीं पाए गए, वो महिला खुद ही दोषी पाई गई और आरोप झूठा साबित हो गया। अब इन्हें भय है कि आगे कोई समस्या तो नहीं होगी, इस बात को लेकर ना दिन में चैन है और ना ही रात में नींद है, टेंशन के साथ डिप्रेशन भी है। मैं कई बार अपने जीवन में देखता हूं कि 498 दहेज प्रताड़ना का जो केस है वो ज्यादातर लोग झूठे भी कर लेते हैं, कई प्रकार के कारण बनते हैं। इसी प्रकार इन्होंने एक झूठा केस इन पर किया और आखिरकार वो खुद ही झूठी साबित हुई, लेकिन इसका असर इनके करियर पर बहुत बुरा पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, क्या है इनके ग्रहों का खेल। ये कुंडली आपके सामने है, देखिए कुंभ लग्न की कुंडली है, यानी जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं वो कुंभ लग्न की कुंडली कहलाती है और लग्नेश शनि लग्न में विराजमान है और स्वयं की कुंभ राशि में विराजमान होकर पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत शश योग बनाए हुए हैं। आप सब भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख सकते हैं कि जहां पर केंद्र है, यानी जहां 11, 2, 5 और 8 ये केंद्र के 4 घर है, इसमें राशि कोई भी हो सकती है, नंबर कोई भी हो सकता है। इस घर में अगर शनि 7 नंबर, 10 या 11 नंबर के, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भी है शश योग और इसी योग के कारण आप डॉक्टर बने और न्याय प्रिय, कुशल प्रशासक,
अनुशासन प्रिय यानी डिसिप्लिन मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने वाले रिसर्चर बने और डॉक्टर बन पाए और यही योग इंसान को बहुत ज्यादा फेमस बनाता है और प्रसिद्धि भी दिलाता है। अब ये तो हुआ पहला पॉइंट, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। आइए अब देखते हैं कि ये इतने सफलतम करियर पुरुष बनने के पीछे इनकी कुंडली में और भी कोई योग है या खाली एक शश योग ही है। तो कुंडली में देखिए कि सेवंथ हाउस जहां पर पांच नियम लिखे हुए हैं वो कुंडली का सेवंथ हाउस होता है जो कि करियर का होता है। वहां के लॉर्ड बनते हैं सूर्य। देखिए जहां पांच नंबर लिखे हुए हैं इसके मालिक बनते हैं सूर्य और सूर्य कर्म भाव के लॉर्ड मंगल के साथ। देखिए कर्म स्थान जहां पर आठ नंबर लिखा हुआ है वो कुंडली का टेंथ हाउस कहलाता है। ये कर्म का है, हम क्या काम जिंदगी में करेंगे। जैसे मैं ज्योतिष अध्यात्म का कर्म करता हूं वैसे आप कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार के कोई काम करते हैं या फिर काम नहीं भी करते हैं तो वो सारा जो घर है वो टेंथ हाउस का घर होता है। उस घर के लॉर्ड बनते हैं मंगल जो दोनों साथ में बैठकर फोर्थ हाउस में चतुर्थ भाव में पराक्रमी योग बना रहे हैं। देखिए फोर्थ हाउस जहां दो नंबर लिखे हैं वो फोर्थ हाउस होता है, वहां सूर्य बुध मंगल और शुक्र विराजमान हैं और साथ ही सूर्य के साथ बुध होने से बुध आदित्य योग बन गया और शुक्र बुध के साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग बन गया और ये योग प्रॉपर्टी हाउस में है। तब ही इन्होंने स्वयं का इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया और इतने सफलतम व्यक्ति भी बने। अब आइए चलते हैं कि टेंथ हाउस जो कि कर्म का होता है। देखिए यहां देवताओं के गुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ विराजमान है। देखिए आठ नंबर जहां लिखे हुए हैं वह चंद्रमा और बृहस्पति दिख रहे हैं। ये साथ में होकर पंच महापुरुष योग में से एक योग गज केसरी योग बना रहे हैं। गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सोना। पुराने जमाने में राजा महाराजा या फिर हाथी के जो मालिक हैं, अब जैसे मेरा हाथी है तो मैं मेरी मर्जी आए जब उस पर बैठ सकता हूं और दूसरे कौन बैठेंगे, जो नगर सेठ होते हैं राजा महाराजा होते हैं। तो आज हाथी घोड़े पर तो कोई चलता नहीं है, उसकी जगह लग्जरी कार आ गई तो आजकल के वो हाथी हैं। और केसरी मतलब सोना, रुपए पैसे की कोई तकलीफ नहीं, ये योग बना हुआ जिससे इन्हें इतनी प्रसिद्धि दौलत और शोहरत मिली। पर चंद्रमा यहां पर नीच राशि के हैं जो कि अशुभ है। चंद्रमा कौन है, चंद्रमा है मनसो जातक, मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है जो नीच राशि के, साथ में साढ़े साथी भी चल रही है। इस वजह से मेंटल टेंशन, डिस्टर्ब, स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें डेवलप हो जाती है। जिस तरह चांद में भी दाग है उसी प्रकार आपके जीवन में दाग बना और इस दाग के साथ में धुल भी गए। लेकिन एक बार पुलिस केस वगैरह हो जाता है तो इंसान के मन में डर बैठ जाता है। अब आइए देखते हैं कि जिस कुंडली में इतने सारे शुभ योग हैं तो फिर इतनी प्रसिद्धि के शिखर पर जाकर इंसान अर्श से फर्श पर कैसे आ गए और इतने डिप्रेशन और अननोन फियर में कैसे चले गए, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब देखिए आपकी जन्म कुंडली जो है वो वृश्चिक, आपकी जन्म कुंडली की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। जैसा मैं कह रहा था कि आपको चंद्रमा, तो ये चंद्रमा टेंथ हाउस में वृश्चिक राशि के, यानी चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है और दुनिया में जितने भी लोग झूठे लांछन और आरोप से ग्रसित रहते हैं उनमें ज्यादातर लोग चंद्रमा के दोष के कारण ही इतनी बड़ी तकलीफ झेलते हैं। और वहीं 15 नवंबर 2011 से आपको शनि की साढ़े साथी शुरू हुई और एक तो चंद्रमा नीच राशि के हैं उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए जहां लग्न में शनि विराजमान है, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर 8 की तरफ एक एरो जा रहा है, यानी कुंभ राशि से लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, इससे सत्यानाश हो जाता है। और देखिए चंद्रमा कर्म स्थान में है और वो भी स्त्री कारक ग्रह है, चंद्रमा स्त्री कारक माने जाते हैं, यानी स्त्री के हाथों कर्म स्थान पर झूठे लांछन आरोप लगना तय थे। टेंथ हाउस कर्म का होता है, वहां पर चंद्रमा नीच राशि के, स्त्री के कारक रहे, शनि की दृष्टि, शनि की साढ़े साथी, तो आपको ये आरोप लग गए। शनि की दृष्टि ने आग में घी डालने का काम किया है, इस वजह से सब कुछ ये हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कोर्ट कचहरी मुकदमा होना और फिर बा इज्जत बरी हो जाना कैसे हुआ, ये सब आइए जानने की कोशिश हम करते हैं। पंचम स्थान की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि फिफ्थ हाउस जहां पर तीन नंबर लिखे हुए हैं वो पंचम स्थान में नीच के केतु और उनकी नवमी दृष्टि लग्न स्थान पर होने से, देखिए तीन नंबर वहां से एक एरो जा रहा है तीन से लेकर ग्यारह की तरफ, ये दृष्टि संबद्ध होने से इतना बड़ा नीच का व्यवहार आपके साथ हुआ। वहीं ट्वेल्थ हाउस जो कि अपमान और न्याय दोनों का है,
जहां पर 10 नंबर लिखे हुए वह 12th हाउस कहलाता है। वहां पर मैं पाप कर्तृ दोष को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 12th हाउस है 10 नंबर, उसके आगे 11 में शनि एक पापी ग्रह, पीछे 9 में राहु एक पापी ग्रह। देखिए जैसे मैंने कहा आगे शनि और राहु पीछे विराजमान है, जिस वजह से आपको इतना बड़ा दुख मिला, परंतु 12th हाउस के लॉर्ड शनि स्वग्रही अतर आखिरकार आपको न्याय मिल ही गया क्योंकि शनि न्यायाधीश है। देखिए आपका बेटा डॉक्टर बनता है तो उसके लिए पेशेंट बनाने ही पड़ेंगे, आप घबराइए मत, डरिए मत जिंदगी से। डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने तो उसके लिए अपराधी बनाने पड़ेंगे या फिर किसी न किसी प्रकार की कानूनी दाव पेश तकलीफें देनी होगी। अगर आप खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे तो मरीज की कौन सुनेगा। तो आप ये सब काम गलत कर रहे हैं, आपको दुगने उत्साह के साथ अपने कर्म पूरे करते रहना चाहिए, फिर ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आज की इस बातचीत के मैं कुछ उपाय बताना चाह रहा हूं जिससे आपके डर निकलेंगे और आप इस भय से बाहर निकलकर दुगने जोश और हरोश के साथ आप अपना काम कर पाएंगे। मैं सलाह दूंगा आपको, चार शक्ति कवच एक होता है जिसे मैं स्वयं अपने गले में धारण करता हूं, मेरी अलग अपनी शक्ति की पावर है जिससे मैं चाहता हूं आपको इस डर से निकालने के लिए चार शक्ति कवच बनवा कर देंगे, उसे आप गले में धारण करिए। दूसरा, 11 योग्य पंडितों के द्वारा अपने हॉस्पिटल में मां बगलामुख एक अनुष्ठान हर साल कम से कम 2 या 3 बार करवाते रहें और स्वयं भी रात को एक माला उस मंत्र की जाप जरूर करिए। इससे आपकी एक कंप्लीट समस्या खत्म हो जाएगी और चिंता नहीं, चिंतन करिए, ये छोटी छोटी चीजें तो जिंदगी में आती रहेगी, आप बस मस्त हाथी की तरह अपनी चाल चलते रहिए, 100 कुत्ते आपके पीछे भौंकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था इनकी कुंडलिका का विश्लेषण। 3 से 5 अप्रैल काठमांडू, 9779801032862। 26 अप्रैल जयपुर, 7 मई जमशेदपुर, 8 मई पटना, 519-00-93-147-28-165। 27 और 28 अप्रैल मुंबई, 9324274-6, 9322-377-660। 5 और 6 मई कोलकाता, 9831602512, 9007477506। भक्तों, हमारे पास है स्वर्णिम अवसर, आगामी 4 अप्रैल पर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर तंत्र बाधा निवारक हनुमान साधना संपन्न कर सभी प्रकार के रोग शोक भय डर व तंत्र बाधा से मुक्ति पाकर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने का। इस तंत्र बाधा निवारक हनुमान साधना पूजन पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध, मंत्र सिद्धि, रक्षा कवच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 243-2625, 9829026625, 8107039999। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्म कुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख,
आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुनें, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। जन्म कुंडली विश्लेषण। आज मैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर की बात करने जा रहा हूं। जन्म से ही ब्रिलियंट और शार्प माइंड, साथ में दिल से भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन पढ़ाई में कोई विशेष रुचि इनकी बचपन से ही नहीं थी। सिनेमा का जो क्षेत्र होता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री का जो फील्ड होता है, उसमें बड़ा इनका लगाव था। कई अच्छे किरदार भी इन्होंने निभाए और आखिरकार दो फिल्में भी बनाए जिसमें इनको सफलता भी मिली। अब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कुछ समस्याएं आनी शुरू हुई। फाइनेंशियल पार्टनर ने धोखा दिया और जैसे तैसे झूठे दस्तावेज बनाकर प्रॉफिट जो परसेंटेज था उसे बढ़ा लिया पार्टनर ने और इनका प्रॉफिट कम कर दिया गया। बहुत लंबी कहानी होती है, हम शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करते हैं। चाहते तो ये कोर्ट केस करके पार्टनर को जेल भी भिजवा सकते थे, लेकिन इन्होंने उस पार्टनर को माफ कर दिया। क्यों, मैं किसको सजा देने वाला इंसान हूं, ऊपर वाला जरूर देखता है, ऐसी इनकी सोच है। इन सब समस्याओं के बीच रुपए पैसे की वजह से काम नहीं अटका, लेकिन हाल ही में एक बड़ी फिल्म बनाने हेतु भरपूर कोशिश में लगे रहे और कोशिश इनकी बेकार हो गई। आज काफी डिप्रेशन में है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और पत्नी के गहने भी बेचने पड़े। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में तकलीफ आती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप सुनार के पास जाकर देखिए, बैंकों में जाकर देखिए लोग कैसे गिरवी रखते हैं, कई प्रकार की और तकलीफ रहती है। ईमानदार और मेहनती व्यक्ति जो लोगों के मददगार है, वही इंसान आज तकलीफ में है। तो अब इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनके ग्रहों का खेल क्या कहता है, क्या है इनकी तकलीफों का समाधान। तो सबसे पहले देखिए कि सिंह लग्न की कुंडली है। देखिए जहां 5 नंबर लिखे हुए हैं वो जन्म कुंडलिका का लग्न होता है और लग्नेश सूर्य जो कि आत्मा के कारक ग्रह है और इंसान को इंटेलिजेंट और साथ में सेंटिमेंटल और भावुक बनाना, दिल व दिमाग से हर किसी का मददगार भी बनाता है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड ही सूर्य बनते हैं। सूर्य हर किसी को प्रकाश देते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अमीर के घर में ज्यादा प्रकाश होगा और गरीब के घर में कम प्रकाश होगा, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। सूर्य ग्रहों के राजा भी और एनर्जी के लॉर्ड भी। ऐसे व्यक्ति नारियल की तरह हैं, बाहर से भले ही बहुत कठोर दिखते हों लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल हृदय के लोग होते हैं। परंतु सूर्य इनकम हाउस में, देखिए 5 नंबर के लॉर्ड चले गए 3 नंबर में जो इनकम के हाउस में है, और वहीं सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है और राहु के साथ सूर्य बनने से ग्रहण दोष कहां बना, इनकम यानी इनकम पर ग्रहण लग गया, यानी जहां पर इनकम आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। जो आपके पास बचा कुचा पैसा था, कुछ बुरे वक्त के लिए जोड़ा था, वो आखिर बुरा वक्त आया और वो पैसा निकल गया, प्रॉपर्टी भी चली गई, गहने भी बेचने पड़े। यहां पर राहु की दृष्टि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। राहु अपनी नवमी दृष्टि से व्यापार भाव को देख रहे हैं, देखिए 3 से 11 की तरफ एक एरो जा रहा है, इस भाव को देख रहे हैं जिससे बार बार जीवन में ग्रहण लग जाता है। पैसा फंसना, नुकसान होना और धोखे होना आपके लिए तो एक आम बात जैसी हो चुकी है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए खुशी की बात तो यह है कि व्यापार भाव के लॉर्ड शनि व भाग्य भाव के लॉर्ड मंगल दोनों ही धन भाव में है। कैसे देखते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो बिजनेस हाउस होता है और साथ में जो मैंने बताया आपको मंगल और शनि धन भाव में विराजमान है। मंगल यहां पर भाग्य स्थान और सुख दोनों ही भाव के लॉर्ड बनकर धन भाव में शनि और मंगल का योग बनता है। इस वजह से
भाग्य और कर्म के बल पर जीवन में काम मिलता रहेगा। और काम भी तकनीकी व फिल्म इंडस्ट्री का काम करना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि शनि मंगल की युति वाले लोग या तो उनका खुद के ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, या फिर वो लोगों के ऑपरेशन करते हैं, या फिर वो इंजीनियर बनते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, या फिर टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। तो फिल्म बनाना 100% टेक्निकल है और डॉक्टर और इंजीनियर शनि मंगल ही बनाते हैं। उसी तरह डायरेक्टर भी, क्योंकि डायरेक्ट करना है, उसमें कैमरे यूज आते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता ही है फिल्म इंडस्ट्री में यूज आती है, वो सारे योग इसी योग की वजह से बनता है। तो आपको कोई फिल्म हो सकता है सफलता ना दे, लेकिन उस असफलता के वजह से आपका इंटेलिजेंस, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, ये सब चीज नहीं चली जाएगी। जैसी भाग्य आपका अच्छा भाग्य उदय होगा, आपकी सारी चीजें काम आने लग जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, टेंथ हाउस की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा कि टेंथ हाउस में इनकम हाउस और मनी सेविंग हाउस, यानी इलेवंथ और सेकेंड हाउस के लॉर्ड बुध अभिनय के कारक व कर्म भाव में विराजमान है। देखिए, जहां पर सेकेंड हाउस है उसके लॉर्ड भी बुध बनते हैं और इनकम हाउस के लॉर्ड भी बुध बनते हैं, वो टेंथ हाउस में विराजमान है। साथ में पराक्रम के लॉर्ड शुक्र, जो थर्ड हाउस है पराक्रम भाव, उसके लॉर्ड और टेंथ हाउस में विराजमान है। ये शुक्र और बुध की युति बन गई, ये दोनों साथ में विराजमान होकर लक्ष्मी नारायण योग बने हुए हैं। यहां फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री प्लैनेट जो है उसका वो शुक्र है। जिसका वीनस अच्छा है, जिसका शुक्र अच्छा है, वो फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी काम में टिक सकता है। अदरवाइज जो शुक्र अच्छा नहीं है तो वो इंसान वहां पर कुछ समय तो रह सकता है, लेकिन आखिरकार उसे छोड़कर भागना ही पड़ता है या फिर उस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ जाता है। शुक्र स्वयं की राशि में विराजमान होकर पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग मालव्य योग भी बनाए हुए हैं। जहां पर शुक्र अगर केंद्र में विराजमान हो गए, 2 नंबर, 7 नंबर या फिर 12 नंबर, यानी वृषभ राशि, तुला राशि और साथ में मीन राशि, तो वहां पर उच्च राशि हो जाते हैं और बाकी दोनों राशि उनकी खुद की है, तो मालव्य योग बन जाता है जो आपको कभी डूबने नहीं देगा और कैसी भी विपत्ति आ जाए धन की कमी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से धन आ ही जाएगा। इसीलिए आप चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखिए। मैं कई बार कहता हूं कि गुड मॉर्निंग का सिद्धांत हमेशा याद रखिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हो। गुड का मतलब अच्छा और मॉर्निंग का मतलब होता है मोर इनिंग आपको मिली है खेलने के लिए। भगवान ने बहुत सारे लोगों को रात को ही मार दिया है, जाकर देखिए शमशान घाट और कब्रिस्तान में कई लोगों को दफनाया जा रहा है और कई लोगों की चिताओं को जलाया भी जा रहा है। उसमें आपका नंबर नहीं आएगा, आया है और आएगा जरूर, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक हर रोज आपको सवेरा मिलेगा तो मोर इनिंग भी मिलेगी खेलने के लिए। और ढंग से खेलिए, कल से आज बेहतर खेलिए, आज बेहतर कर्म करके दिखाइए, नया सवेरा आपको मिला है और अच्छी सोच के रख के आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी पत्नी के मंगलसूत्र तक बेचने पड़े, लेकिन सब कुछ खोने के बाद इंसान ने सब कुछ वापस पा लेने का जज्बा और जुनून नहीं खोया है और सब कुछ पाया और कहां से कहां पहुंच गए और फर्श से वापस अर्श तक पहुंचे। ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है। बढ़ते हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि आपकी जो जन्म राशि है वो वृश्चिक है। शनि की 7.5 भी आपको पिछले 3 साल से लगभग चल रही है और 12th हाउस के लॉर्ड, देखिए 12th हाउस जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है उसके लॉर्ड चंद्रमा चतुर्थ भाव में नीच राशि के विराजमान है। जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा विराजमान है और वो नीच राशि के हैं। और पार्टनरशिप में धोखा शनि ने दिया, क्योंकि शनि आपके पार्टनरशिप के हाउस यानी 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है उसके लॉर्ड शनि बनते हैं। आपको 2019 तक चौकन्ने रहना होगा और प्लानिंग अपनी पूरी रखें, क्योंकि 26 जनवरी 2017 के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। तो ये कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि आपकी जन्म कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में विराजमान है। जहां पर 3rd हाउस जो है वहां पर 7 नंबर लिखे हुए हैं, जो पराक्रम स्थान होता है उसमें शुभ और अमृत योग बना रहे हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। हालांकि वो शत्रु शुक्र के घर में विराजमान है, लेकिन बृहस्पति की खासियत है जहां देखते हैं वहां पर अमृत बरसाते हैं। और ये अमृत दृष्टि 5वीं दृष्टि से बिजनेस हाउस पर अमृत बरसा रहे हैं। देखिए 7 से 11 की तरफ घर हो जा रहा है और 7th हाउस को देख रहे हैं। इस कारण पत्नी का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। साथ में
सातवीं दृष्टि जो कि भाग्य स्थान पर आ रही है, सात से लेकर एक की तरफ है, गैरो है, जिस वजह से आप ओवरऑल बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए समय खराब आया है। और नौवीं दृष्टि इनकम हाउस पर जा रही है, सात से तीन की तरफ एक एरो जा रहा है, अतः आप कभी रिटायर नहीं हो सकते, हमेशा आपको काम मिलता रहेगा। 6 जुलाई 2015 से लग्नेश सूर्य की 6 वर्ष की दशा आपको इस विपत्ति से उभारने में सहायक रहेगी। बस आपकी जो मेहनत आज तक की गई है वो अच्छा समय आने पर इन सब का एक साथ आपको लाभ मिलेगा। तो मेरी इस कुंडली का विश्लेषण करने का आज निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप घबराएं नहीं, समय एक साथ कभी नहीं रहता है। जब हमारा अच्छा समय ही नहीं रहा तो ये बुरा समय कैसे रहेगा, ये भी चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है और कुछ खो देने के बाद सब कुछ पा लिया है। मेरे ऐसे कई फिल्म इंडस्ट्री बड़ी हस्तियों से ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, पत्नी के गहने बेचकर, गिरवी रखकर भी पुनः प्राप्त कर लिए, लेकिन अपना जुनून, जज्बा, हुनर नहीं खोया। इसीलिए आप कुछ पा लेंगे ऐसा आपको विश्वास रखना चाहिए, ये मेरा वादा रहा आपसे। अब मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिन उपायों का सहारा लेकर आप इस विपत्ति को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए शनि की 7:30 ही चल रही है, अतः रोजाना शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र आराम से पढ़ना चाहिए, भागते दौड़ते नहीं। दूसरा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सरेश्चराय नमः, इस मंत्र का 69,000 बार मंत्रों के जाप का संकल्प लेकर रोज जितना हो सके वो करिए और उस संकल्प को पूरा करिए। तीसरा, ग्रहण दोष निवारण हेतु योग्य ब्राह्मणों से विशेष अनुष्ठान संपन्न कराइए। चौथा, सिद्ध बीसा यंत्र के साथ, शुक्र यंत्र के साथ 7.25 रत्ती के पुखराज को गले में हमेशा अग्नि धारण करिए, तो आपकी समस्या लगभग खत्म जैसी हो जाएगी। तो यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। हो सकता है आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हो तो या तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, या फिर पूरी फाइल हमारे जोधपुर कार्यालय से आप बनवाकर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जोधपुर ऑफिस से फोन करके संपर्क करना होगा। अगली बार ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली विश्लेषण के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आज व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के साथ साथ धन धान्य, यश कीर्ति, मान सम्मान, ऐश्वर्य सभी चीजें प्राप्त करना चाहता है और यह सभी हमें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होती है। और यदि हम माँ लक्ष्मी का अस्थाई रूप से वास चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, उपासना व साधना करना परम आवश्यक है। तो यदि आप भी अपने भाग्य को परिवर्तित करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। 21 अप्रैल को अक्षय तृतीया के सौभाग्यशाली अवसर पर आप सभी भक्तजनों पर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति हेतु परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा निर्माण किया है संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी साधना का, जिसे संपन्न करके आप अपने सोए भाग्य को जगाकर अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास बना सकते हैं। इस साधना में आप पाएंगे 9 अभिमंत्रित सामग्रियां, मंत्र चैतन्य युक्त संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी यंत्र, अभिमंत्रित शंख चक्र, मंत्र सिद्ध लक्ष्मी चेटक, धनकारक कौड़ियां, तांत्रोक्त सरसों, मंत्र चैतन्य युक्त स्वर्णाकर्षण गुटिका, प्राण सिद्धि कमलगट्टा, अभिमंत्रित हल्दी की गांठ, मंत्र चैतन्य युक्त भाग्यवर्धक लक्ष्मी माला व अष्टगंध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 9314728165, दिल्ली 6542 0685 एवं 6454 4625, मुंबई 9324272446 एवं 9322377660, नागपुर 9371073487